प्यारे बच्चों, रेनबो से साउंड फर्स्ट। हम लोग वर्ड मीनिंग, वर्ड लिखेंगे और उसकी मीनिंग बताएंगे, और आपको कम से कम 7-8 बार वर्ड लिखना है और सभी बार अलग अलग वर्ड लिखना है। वर्ड जो आपके होंगे 3 अक्षर के होंगे, 3 लेटर के होंगे, आप उसको लिखेंगे और बताएंगे कि इसके माने यह होता है, ताकि पता लगे कि आपको मीनिंग याद है कि नहीं है, मीनिंग की समझ है कि नहीं है। आप लोग तैयार हैं? ज़ोर से बोलिए। पहला वर्ड लिखिए, सभी लोग अपना अलग अलग ढक के लिखेंगे, ढक कर। पहला वर्ड लिखिए जल्दी, कम ऑन, हरी अप, स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर। कुएं का सहारा ना लीजिए, कुएं का सहारा नहीं। चलिए बेटा दिखाइए, इधर इधर, क्या लिखिए बेटा? फैन मीन्स पंखा। बहुत बढ़िया, आप देखिए क्या लिखिए बेटा, दिखाइए, इधर दिखाइए। वी ए एन, फैन मीन्स मोटर। बहुत बढ़िया, आप क्या लिखे हो बेटा, दिखाओ। सी ए टी, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। बहुत बढ़िया, आप दिखाइए क्या लिखिए बेटा। एम ए टी, मैट मीन्स चटाई। मैट मीन्स चटाई, आप क्या लिखे हो बेटा, दिखा दो बेटा, क्या लिखे हो बेटा? एम ए टी, मैट। मैट मीन्स चटाई, ठीक। मैट मीन्स चटाई, बोलो, ठीक। बहुत बढ़िया, अब आप लोग कोई फैन लिखा है, कोई मैट लिखा है, कोई कैट लिखा है, अब उस शब्द को नहीं लिखना है, उस वर्ड को नहीं लिखना है जो अभी आप लिखे हैं। अब बदल के दूसरा लिखिए, दूसरा वर्ड। हो गया, देखते हैं क्या लिखे हो बेटा। सी ए टी, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। बहुत अच्छा, आप दिखाओ बेटा क्या लिखे हो, क्या लिखे हो? ये वी ए टी, वैट। वैट मीन्स, पढ़े हो इस चैप्टर में वैट? वैट कहीं था, कहीं नहीं था, आप दिखाइए क्या है बेटा। सी ए पी, कैप। कैप मीन्स टोपी। कैप मीन्स टोपी, आप दिखाइए क्या लिखे हैं बेटा, क्या लिखे हैं? मैंगो। मैंगो मीन्स आम। चलिए आपने एक शब्द बना दिया मैंगो, कोई बात नहीं है, है क्या लिखे बेटा? एम ए टी, मैट। मैट मीन्स चटाई। बहुत बढ़िया, चलिए तीसरा शब्द, तीसरा शब्द आप लोग बनाइए। अंग्रेजी वर्ड में तीसरा शब्द बनाइए, बन गया, दिखाइए। पी ए एन, पैन। पैन मीन्स कढ़ाई। पैन मीन्स कढ़ाई, पैन मीन्स हैंडल वाली कढ़ाई जिसमें लोग अंडा उंडा बनाते हैं, वही ना, दिखाइए। आपने बना दिया फिश, एफ आई एस एच, फिश। फिश मीन्स मछली। फिश मीन्स मछली, सही है, लेकिन जो साउंड फर्स्ट अपने रेनबो में हम लोग पाठ पढ़े हैं उसमें कहीं फिश आई थी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ सही है, क्योंकि आपने अपने दिमाग से फिश बना दिया, तो फिश भी इंग्लिश का एक वर्ड है, सही है। आपने क्या बनाया? पता नहीं, नहीं मालूम है आपको, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही। क्या लिखिए बेटा? कैप। कैप मींस टोपी। कैप मींस टोपी, आप दिखाइए आपने क्या बनाया। ई, ई उसी तरह बनता है, ऐसे ई बनता है, आपने ई उल्टा बनाया है, देखिए ई उल्टा बनाया है। चलिए चौथा वर्ड बनाइए, चौथा वर्ड बनाइए आप लोग, चौथा वर्ड बनाइए। आपने साउंड फर्स्ट में बहुत कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़े? अब उसी में से दिमाग से सोच कर सारे वर्ड लिखने हैं, और वो वर्ड जो है 3 अक्षर के, 3 लेटर के होंगे। तो आप लोग मैंगो, फिश दिखाइए। टी ए पी, टाइप। टाइप मीन्स नल। बहुत बढ़िया, आप दिखाइए। एम ए टी, मैट। मैट मीन्स चटाई, ठीक, आपका भी सही है। आपने क्या बनाया? एन ए टी, नेट। नेट उसमें आया था नहीं, आप दिखाइए। एडल पी एल ई, एप्पल। एप्पल माने से, चलिए आप बताइए क्या बनाए हैं।
पी एफ आर का इसका क्या मतलब होता है? जो चीज़ लिख रही हैं उसके बारे में बताने की क्षमता रखिए कि मैं जो लिख रहा हूँ लिख रही हूँ उसको मैं बताऊँ सर जी किसके माने ये होता है, और जब नहीं जानते तो उसको मत लिखिए। समझ रहे हैं ना बेटा? ऐसा माने लिखो, ऐसा शब्द लिखो जिसके बारे में हम बता सकें, ठीक है ना? अब कुछ ऐसा ना लिख दो कि उसके बारे में हम बता ही ना पाए, पता ही ना हो, ठीक है ना? सरल शब्दों में लिखना है। चलिए फाइनल मैच, लास्ट बार, इस बार जीत हार होगी हम लोगों में। अभी तक श्रेया कुमारी, आदर्श, सेजल सभी लोग सही चल रहे हैं। अब अगला वर्ड, अंतिम वर्ड, और ये फाइनल मैच है। बन गया? क्या बनाए हो? P-E-N, पेन, पेन मींस कलम। पेन मींस कलम, ठीक। आप दिखाइए। P-I-N, पिन। पिन मींस? पिन मींस सर, पिन मींस पिन। हाँ दिखाइए। M-A-T, मैट। मैट मींस मैट। आप दो बना दिए, यहाँ भी मैट बनाए, यहाँ भी बना दिए हैं। आप दिखाइए। M-A-N, मैन मींस आदमी। मैन मींस आदमी। आपने क्या बनाया है? नहीं मालूम, ठीक। तो इस तरह यह प्रतियोगिता समाप्त हुई। इसमें श्रेया कुमारी, सैजल कुमारी और आदर्श यादव सफल रहे हैं। अब इनको ऑरेंज बाइट ट्रॉफी दी जाएगी, ठीक है? आप लोग इस खेल से संतुष्ट हैं? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।